रामलला मंदिर के उद्घाटन के बाद दुनिया भर के अगर न्यूज़पेपर को हम थोड़ा सा ध्यान दें तो तीन देश के न्यूज़पेपर की मैं बात करूंगा। हालांकि विदेश की कोई भी मीडिया जो है भारत के रामलला मंदिर के लिए कोई तारीफ नहीं की है, कोई उसमें न्यूज कवरेज नहीं है, लेकिन तीन देशों की जो मीडिया ने जो छापा है वो बताने का वक्त आ गया है। पहला न्यूज़पेपर है अमेरिका का, यूएस का, न्यूयॉर्क टाइम्स। उसमें खबर छपी है कि अब भारत में इस मंदिर के उद्घाटन के बाद हिंदू सबसे पहले होगा, मतलब हिंदू धर्म सबसे पहले होगा, हिंदू सबसे आगे रहेंगे, बाकी के धर्म उनसे पीछे रहेंगे, मतलब सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। ऐसे लोगों को यह सोचना चाहिए, ऐसे न्यूज़पेपर के जो लोग नीचे ये चीजें छाप रहे हैं, कि भारत ने कभी भी कोई मिशनरी बना करके धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है। एनी बेसेंट यूरोप से, इंग्लैंड से भारत आई थी केवल यहां के लोगों को ईसाई बनाने के लिए, और बनाया भी उन्होंने, भारत ने तो ऐसा नहीं किया ना कभी। अफ्रीका में, एशिया के गरीब गरीब जगहों पर जाकर के ये लोग पैसे रुपए देकर के वहां के लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, और हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। अगर इतने ही आप पाक साफ हैं तो आप जेरूसलम से हट क्यों नहीं जाते? जेरूसलम एक शहर का नाम है, इजराइल में है। इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में एक सबसे बड़ा रीजन जेरूसलम का भी है, क्योंकि जेरूसलम जो है तीन धर्मों का स्थान है। पहला है यहूदियों का माउंट टेम्पल है वहां, दूसरा है मक्का मदीने के बाद मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा मस्जिद भी वहीं पर स्थित है, और तीसरा है कि ईसा मसीह का जन्म भी जेरूसलम में हुआ है और उनका 33 साल का जीवन काल भी वहीं बीता है। इसी वजह से ये क्रिश्चियन जो हैं ईसा मसीह की जन्मस्थली को बचाने के लिए यहूदियों को सपोर्ट करते हैं, ये भी सबसे बड़ा रीजन है। आर्मी से सपोर्ट करते हैं, सोफिस्टिकेटेड वीपन्स देते हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं उनको, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। छोड़ क्यों नहीं देते आप जेरूसलम? नहीं छोड़ेंगे। जब धर्म आपके लिए मायने नहीं रख रहा है तो आपको जेरूसलम छोड़ देना चाहिए, ईसाई मिशनरियों को दूसरे देशों में भेजना छोड़ देना चाहिए लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए। दूसरा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का द डॉन, DAWN। उसमें यह खबर छपी है कि पीएम मोदी रामलला के मंदिर के उद्घाटन से अनाधिकारिक तौर पर, अनऑफिशियली 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं, और इससे भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो खतरे में है, यह पाकिस्तान के न्यूज़पेपर बता रहा है। उन्हें यह सोचना चाहिए, जब पाकिस्तान का जन्म भारत से हुआ था 1947 में तो लगभग 20% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज 2% भी नहीं बचे हैं, या तो मार दिए गए हैं, या भारत भाग आए हैं, या फिर उन्होंने अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। और 1947 में भारत में जो मुसलमान बचे थे पाकिस्तान बनने के बाद, 6-7% थे, आज की डेट में भारत में मुसलमान 30% हैं। और ये धर्म निरपेक्षता के विषय में, सेक्युलरिज्म के विषय में ही भारत को शिक्षा देते हैं। तीसरा देश है नेपाल। नेपाल का न्यूज़पेपर तो सीधा पीएम मोदी पर अटैक किया है। उनका यह कहना है रामचंद्र जी के मंदिर के उद्घाटन समारोह में रामचंद्र जी से भी ज्यादा अगर कोई व्यक्ति फेमस और पॉपुलर है, प्रसिद्धि मिली है और लोकप्रिय है, वो पीएम मोदी हैं। इनको, नेपाल को जब जब जरूरत पड़ी, भारत इनको, इनकी हमेशा से सहायता करते आया है, आज भी कर रहा है। धीरे धीरे वहां भी पॉपुलेशन बढ़ी रही है, आज नहीं तो कल उनको भी पता चलेगा। हर चीज पर आप डिपेंड रहते हो भारत पर, और एक मस्जिद को तोड़ करके मंदिर क्या एक भीड़ ने बनाया? मस्जिद को किसने तोड़ा था? उग्र भीड़ ने। और जो मंदिर बना अयोध्या में वह भारत की न्यायपालिका के निर्णय के अनुसार बना है। 1528-29 में मीर बाकी, जो कि बाबर का एक कमांडर था, उसने रामलला के मंदिर को तोड़ा और बाबरी मस्जिद बनाई। 500 साल पहले की बात है ये, तो उससे कई हजार साल पहले से तो वहां पर रामलला का मंदिर था। यह भी तो सोचना चाहिए इन लोगों को, इस चीज पर गौर करना बहुत